ये लगता है मेरी लिपस्टिक एंड आई एम डन। और अगर किसी का भी फोटो लेनी है तो अभी ले सकता है, बाद में बोलना नहीं कि मैडम से फोटो ली। मैम आप लिप्पल लगा लो। क्या लिप्पल? ओ ये सारी कंट्री की करेंसी है क्या? ओ माय गॉड, वाओ। गाइस, अगर आप देहरादून में हो और आपने अगर इस जगह का खाना नहीं खाया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस करोगे। दिस इज amazing. Perfect. I've never had better momos than this in my entire life. सच बोल रही है। This is a lemongrass mojito and oh my god, क्या बनाया है ये। दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। बता रहा हूँ, मैंने तिब्बती फूड खाया था लेकिन ऑथेंटिक जो यहाँ मिला है और जो सर्विस है और जो लोग हैं, ओहो, और जो व्यू है, जो वाइब है, मजा ही आ गया। देख लो अभी भी हमारे ऊपर देखो यार, मतलब दिस इज, हमने इतना खाया ना कि चल नहीं पा रहे हैं। अब जरा यहाँ से हम लोग अपने होटल वॉक करके जाएंगे पहाड़ चढ़ के। तो दोस्तों हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वॉक करके जाएंगे। वैसे तो होटल का रास्ता बाय वॉक 1 घंटा बता रहा है, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा भी चल रहे हम लोग, तो थोड़ा खाना नीचे को आए। अभी तो सांस ही नहीं ली जा रही, इतना खा लिया, मजे भी आ रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई आ जाएगी ना, खाना अपने आप पच जाएगा। पच जाएगा, खाना पचना बहुत जरूरी है। ये देखो पेट क्या ही करे इंसान। अगर कोई कॉफी शॉप मिल जाएगी तो कॉफी पी लेंगे। You're my baby. What this kids? What this kids? अरे मेरे पर नहीं। इधर 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 इधर। इसके पैर में लग गई है। नहीं खाना। ये तो नहीं खा रहे। बस 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 नहीं खा रहे भाई। खाएंगे खाएंगे, वो लोग खाते हैं। ये आंटी के लिए एक पैकेट ले लो। तो जी 20 मिनट हो गए हमको चलते चलते, और अभी हमें रास्ते में इतना प्यारा कपल मिला। देखो ब्लॉगिंग करना भूल गए हम लोग, क्योंकि मेरे सर पे ना चिड़िया ने हक दिया था, कबूतर ने हक दिया उनके सामने। तो मतलब समझ वो इतना मिल गया, इससे हमारे बहुत बड़े फैन है, तभी ना टपक से ऐसे आई। ये देखो ये देखो, और इतना प्यारा कपल था। और अच्छी बात देखो, उस कपल ने भी अभी दोबारा शादी की, उन्होंने हमें बताया, हमें बताया। और लड़की का नाम है सुजाता, लड़के का मैं भूल गया, लेकिन बहुत मजा आया। हम लोगों ने कम से कम उनसे 15-20 मिनट बात की। देहरादून के रहने वाले थे और इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, कह रहे हमें इससे यहाँ इतना मजा आता। देहरादून में हमें किसी भी बड़ी सिटी में जाने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम लोग बना देते हैं। लाइफ हो सकती है, खुश ना हो सकती है, पता नहीं लोग उसको पता नहीं क्या करके उसका अचार बना के खाते हैं। फिर यू आर नॉट हैप्पी इन लाइफ। छोटे छोटे प्यारे प्यारे शहरों में ना जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कभी कभी, बहुत ज्यादा अच्छी है। एब्सोल्युटली, लोग इतना खुश हैं, ना पोल्यूशन है, ना ट्रैफिक है, और लाइफ है। ऐसा नहीं की लाइफ नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए। अभी जहाँ पे हम लोग होके आए खाने के लिए, वो जगह थी भाई साहब, वो आपको कहीं मिली है? मेरे को तो नहीं मिली। कमाल की जगह, अच्छी हो गई। इतना अच्छा खाना कौन खिलाता है कि उसके बाद ऐसा चलना पड़े। वैक्सीन लगी हुई है, कौन सी ब्रीड है भाई, कौन सी ब्रीड है? ऐसी है बच्चा। आपको इंजेक्शन लगा है? आपको इंजेक्शन लगा है? कितना भोला है ना, बहुत छोटा है। ये 30-40 दिन का होगा। तुम्हें कैसे पता चल गया? पता लग रहा है ना, जो बहुत भोला बच्चा है भाई। बिल्कुल ही बहुत, हाँ छोटा है ना, डर गया ये। जा रही है नाचना है, आगे निकल गई। संभावना लिफ्ट मांग रही है, और वो भी किससे? पुलिस से। बताओ, हद हो गई। पुलिस से कोई लिफ्ट मांगता है क्या? सर हम यहीं जा रहे हैं, वरना चलो छोड़ो ना, अब हम वो लेंगे ऑटो। तो अब आ गया तो ले लेंगे ना, लिफ्ट ले लेंगे, उसमें क्या है। यहाँ बैठो, ओला बुक करता हूँ मैं, आ जाओ। भैया फेयरफील्ड होटल जाओगे? फेयरफील्ड तो विक्रम स्कूटर वाले भैया ने हमें रास्ते में फेंक दिया, बोला मैं दूसरे रूट पे जा रहा हूँ, और हम यहाँ से फिर पैदल चलना शुरू कर दिया है। अरे यहाँ अच्छी अच्छी दुकानें दिख रही है। हाँ। तो हमें सब्सक्राइबर मिल गए हमारे यहाँ पे, तो मैंने उन्हीं को बोल दिया हमें छोड़ दो आगे तक। क्या नाम है आपका? नीरू। नीरू को बोल दिया कि हमें छोड़ देंगे होटल तक। ये ना बताओ, रास्ते में कोई संभावना से मिलने आया तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो बोले वहाँ क्यों खड़ी, लाओ हमें छोड़ दो आगे तक। अपनापन तो देखो उनके अंदर है हमारे लिए, तो हमको भी होना चाहिए ना उनके लिए। वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं दिल से, इतना प्यार से। तो मैं कहती हूँ कुछ मत करो यार, मैंने हाजमोला खिला दी उनको। जब प्यार है तो हाजमोला खाओ, मेरा भी पेट में गैस है, आपके भी ये निकल जाएगी। यहाँ पे फेयरफील्ड है ना, मैरियट बाय मैरियट ये चल रहे हैं। हम लोग चल रहे थे, ये हमें मिलने के लिए आ गई, हमने इन्हीं से राइड ले ली। हमने कहा हमें छोड़ दो, लेकिन छोड़ा देखो कैसे गया। ये मैं ये बैठी हूँ, ये बैठी है, मैं नहीं चाहती। ये इनके सास ससुर हैं जो साथ बैठे हुए हैं, वो इनके हस्बैंड जो गाड़ी चला रहे हैं, तो ठूस के बैठे हुए हैं होटल तक पहुँचने के लिए। कह रही है इतना रियल ब्लॉगिंग करोगे। ये राजी आ गया जी, हमारा होटल आ गया, थैंक यू सो मच। और ऐसी होती है हमारी, बैठो आप आराम से। बहुत अच्छा लगा अंकल आंटी आपसे मिलके। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय। चलो तो जी ये हम पहुंच गए अपने होटल, और अब हम लोग जा रहे हैं। वो कह रही है आप इतनी रियल व्लॉगिंग करते हो कि कुछ भी नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। मेरी कैसी रही राइड? तो यार बहुत, मतलब इतना एडवेंचर कर देती हूँ ना कि मेरे को वैसे ही लाइफ में मजा आता है। एडवेंचरस लाइफ। कहाँ है हमारा होटल? कहाँ गया ऊपर किधर? जो नीरू थी जो हमारी सब्सक्राइबर थी, उनको तो ठीक है, बाकी उनके घर में किसी ने हमारे व्लॉग नहीं देखे। उनके घर में कोई नहीं हमें पहचानता। सोच रहे हमारी गाड़ी में कौन दो अजनबी आके बैठ गए, पर कह चलो गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। और जो हमारी बेटी है, हमारी जो उनकी वो है बहू, मेरी गोद में थी उनकी बहू मेरी गोद में बैठ के आएंगी। बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं है। हाजमोला भी खिला दी। तो जी ये आए हम अपने होटल में, रूम की तरफ बढ़ते हुए। अब हम लोग फटाफट एक्चुअली तैयार होना है। अब मैं बहुत सुंदर लहंगा पहनूंगी और अच्छी तरह तैयार होकर जाऊंगी, क्योंकि कल शालिनी की मम्मी, शालिनी तो थी नहीं कल पहुंची लेट, तो शालिनी मम्मी मेरे को बहुत कंप्लेन कर रही थी कि तू कितनी सिंपल बन के आई है, तो उनको खूब सारा ताम झाम चाहिए। चूड़ियां तो मेरे पास है नहीं, चूड़ियां नहीं लाई, लेकिन जो भी कुछ होगा मैं उसी से अपना गुजारा करूंगी। कल शादी में इतने लोगों ने पूछा कि बच्चे का क्या कर रहे हो, बच्चे का क्या कर रहे हो। आज एक बच्चा ले चले गए यहाँ से पकड़ गए। तो जी हम लोग निकल गए। अब आज वरमाला है और पता नहीं क्या क्या है, मैं भूल गया। ये पहना हुआ मेरी बेबी ने और ये पहना हुआ है जी। हम लोग पहुंच गए अभी यहाँ पे। रास्ते में बहुत मजा आया ड्राइव पे, क्योंकि थोड़ा उजाले में निकले हम आज। हमने इतने सारे कैफे, इतनी सारी खाने की जगह देखी। देहरादून इज सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत रिकमेंड करूंगी। हमारे पास बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। मैं हाउ आई विश कि हम और एक्सप्लोर कर पाते, जो दिखे ना हमें रास्ते में चीजें। ये वाला तो रोने नहीं है इनका। हमें तो बहुत ऊपर जाना है अभी। यहाँ से लिफ्ट लेनी है, फिर लिफ्ट से एक और लिफ्ट लेनी है, यही है ना। सारी तैयारी हो रही है और अब फाइनली मैं शालिनी से मिलूंगी, जो कि मुझे कल नहीं मिल पाई, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरी फ्रेंड, उससे अब मिलूंगी, उसको तैयार भी करना है। कहाँ है शालिनी? कौन है शालिनी? मेरी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की दोस्त, सबको पता है मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है शालिनी। लेकिन तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। मैं हूँ। फाइनली जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ये रही। हाँ ये ऐसे ही इसको कैप्चर करना। ये देखो टी शर्ट में ये तब से ऐसे घूम रही है। मैं कह रही हूँ तैयार हो जा भाई, शादी है तुम्हारे घर पे, तैयार हो जा। हो ही नहीं रही है। आपको तो पता ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है अनफॉर्चुनेटली। यार एक पिंक कलर की बटरफ्लाई कर, तैयार हो। बटरफ्लाई थी नहीं, बच्चा का बटरफ्लाई बनाना है। खत्म करो ये ड्रामा, आ जाओ। ये देखो डॉगी दिखाऊंगी, डॉगी मिली मिली, डॉगी डॉगी, ये देखो डॉगी। डॉगी कहाँ है? ये देखो, ये देखो डॉगी। अच्छा ये तो आप अविनाश का खुल गया। डॉगी खाली सुनाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये देखो डॉगी। और दिखाओ कुछ। ये डॉगी है ना, जो डॉगी चोरी करता है। पकड़ के रखना बेटा, फेंकना नहीं। एक ही मोबाइल है आंटी के पास, देखा नीचे से ना फुटबॉल है ना, डॉगी चोरी करके ले आया। कैसा लग रहा है डॉगी? मिली, ओह माय गॉड, वाओ डॉगी इज सो क्यूट। हाँ ये देखो, देखा टू डॉगीज एट द सेम टाइम, टू डॉगीज मिली, टू डॉगी। चलो बेटा आप लोग फोन दे दो आंटी का। और आपका वो कहाँ है जो क्लिप लगाना है? यहाँ पे क्लिप था ना, बटरफ्लाई। फिर भी तुमने इतना गंदा बच्चा खिलाया ना है? इतना गंदा बच्चा खिलाया तुमने। मैंने अच्छा नहीं खिलाया था बच्चे को। इससे ज्यादा नहीं होता भैया, हमारे घर में अपने आप ही खेल लेते हैं। बॉल फेंक दो, अपने आप लेके आएंगे, जो करना है बॉल के साथ। ये नहीं होगा। तो जी संभावना अभी शालिनी का मेकअप कर रही है और पीछे पूरा बाथरूम दिख रहा है। बाथरूम में कर देती मेकअप। नहीं, एक तो लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब असली मेकअप क्या हुआ है बाहर निकल के पता चलेगा। सीधा स्टेज पे। लेकिन मैं कर दूंगी इसका सही। सुनना, बाल तो हो रखे हैं, बाल सर पे हाथ रख रही है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। वो तो मुझे पता चलेगा ना। मेरे को मेकअप करने दे बस। अब मेरे को पीछे मत हटाना। रिजल्ट मुझे अभी से पता चल रहा है। मुझे वो तो नहीं बना देगी रामलीला वाले स्टेज की। मैं खुद बनती थी यार। मेरे को वाले देखने बहुत ज्यादा वो मत करियो तू डाली। शालिनी मेरे को करने दे। तूने मेरा पफ तो पिचका दिया। तू पे वो बन जाएगा। चल, ये इसको शोरपड़खा का आता है ना, इसने किया हुआ है, वही कर रही है रिपीट। तो जी मैं आपको बता दूं कि 10:15 हो गए हैं और सारे के सारे रूम के अंदर ही बैठे हुए हैं। ये रही दुल्हन जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। खड़ी होती है ना, फिर मैं पूरा दिखाती हूँ, ठीक है। ये रही शालिनी जो कि आधा अधूरे, हमेशा ही आधा अधूरी रहेगी। वहाँ पे मैडी की सिस्टर नीतू, और ये है जो मेरे व्लॉग्स देखता है, बड़े प्यार से मेरे को चुन्नी मुन्नी करा के दी है, चुन्नी बनाई है। उनको भी दिखाना है। उन्होंने मेरे बाल आगे से दो कलियां सही की है, वो पीछे है। ये वो है जिन्होंने मेरा कुछ भी नहीं किया। क्या 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 हो गया? चुगली कर रही हो मेरी? चुगली कर रही थी ये मेरी। औरत ही दुश्मन होती है। आज ये सिद्ध हो गया, या औरत की दुश्मन होती है। आई थिंक मैंने ना लिपस्टिक दोबारा एक बार निकाल ली और अब मैं दोबारा लगाऊंगी, बिकॉज ना ये ऐसे लेयर सी आ गई यार। आई डोंट लाइक इट। और अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये लोग तैयार हो नहीं हो यार। आई एम हंग्री। दबाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ दोस्तों, कानों में पहनूंगी और मैं निकली। मेरे को नहीं तैयार होना, मेरे को तो कुछ करना नहीं। सारी चीजें भाड़े की है। ये देखो, ये मैंने जो कल लोग पहन चुके थे, आज पहन के खड़ी हुई हूँ। ये कंगन है जो इन्होंने पहने थे। प्योर डायमंड पहना है आपने। मेरे प्योर डायमंड है। डायमंड पहना दिया था मेरे को। ये वाला मेरे को लगता नहीं मैं डिजर्व करूंगी। पता चला मैं पहन के निकल गई। सोने के कंगन भी मुझे पहनाए हुए, वो उसके हैं। डायमंड के कंगन इसके हैं, और एक्चुअली मैं है तो मैं सबके सच्ची वाले पहन के घूम रही हूँ। अगर गायब हो गए दोस्तों तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम क्यों आएगा? तुमने पहनाया है मेरे को भाई। ये लिपस्टिक एंड आई एम डन। और अगर किसी का भी फोटो लेनी है तो अभी ले सकता है, बाद में बोलना नहीं की मैडम से फोटो। मैम आप लिप्पल लगा लो। क्या लिप्पल? लिपर बोला मैंने, लिपर। टंग स्लिप होके कुछ और निकल गया था। चलो मिलती हूँ आपको भी। दूल्हा आ गया और तुम गोलगप्पे खा रही हो। तो जी मैं आपको बता दूँ कि दूल्हा आ चुका है। दुल्हन मेरे को तो अभी भी नहीं दिख रही। 7 बजे के आए हुए हैं, 11 बज चुके हैं। मेरे को 15 मिनट लगे हैं तैयार होने में। इस हिसाब से अविनाश को नतमस्तक होना चाहिए मेरे सामने कि ऐसी बीवी मिली है जो 15 मिनट में तैयार होती है। मानते हो कि नहीं? दुल्हन तो नहीं आई है और मैं ऐसे रेडी हूँ जैसे